ओके सो हे गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने बच्चे का डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। एंड उसके बाद आपको ऐड फोटो में चले जाना है। आप सभी को अपने मॉडल को ऐड कर लेना है, ठीक है। एंड जो मॉडल का बैकग्राउंड है, मैंने पहले से रेस कर रखा है। एंड जिसको बैकग्राउंड रेस करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो के लिंक दे रखे, आप उसको वॉच कर लेना, अभी बाकी आप समझ जाओगे, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जो मतलब मेरा जो मॉडल है, इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस जो है मेरे को यहाँ पे कम लग रहा है, तो उसकी मैं ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए इसको लेके जाऊँगा यहाँ पे इफेक्ट में। इफेक्ट में ले जाने के बाद यहाँ से मैं ले जाऊँगा कलर्स में। कलर्स में ले जाने के बाद गाइस, आप सभी को यहाँ पे विग्नेट वाला ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, सॉरी ब्राइटनेस वाला। आपको इस पर चले जाना है। इसका जो आप अमाउंट है, इसको आप अराउंड 124 तक रख लेना। एंड रिजल्ट टूल में जाना है, इसे इन्वर्ट कर देना एंड ब्रश को लेना। एंड उसके बाद जहाँ जहाँ तक आपको ब्राइटनेस चाहिए आप वहाँ पे वैसे पेंट कर लेना, ठीक है। बाकी आपको जहाँ जहाँ चाहिए हो, अगर पूरे में चाहिए हो तो पूरे में कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसके आधार पर आप डन कर देंगे। एंड उसके बाद जो है हमारा मॉडल जो यहाँ पे एकदम परफेक्ट हो चुका है। अभी क्या करना है, अभी हमें इस पर पूरा अभी और भी काम करना है। तो अभी हम मॉडल को यहाँ पर लगा लेंगे एंड अपने मॉडल को यहाँ पर डुप्लीकेट बना लेंगे एंड इसको सेम साइज़ में वैसे ही लगा देंगे। एंड उसके बाद इस मॉडल को लेकर जाएंगे हम सब इफेक्ट में। इफेक्ट में ले जाने के बाद गाइस, आपको कलर्स में चले जाना है। एंड यहाँ पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट वाला मिल जाएगा ऑप्शन, तो आपको इसका अमाउंट जो है जीरो कर देना है, यहाँ पे मर्ज कर देना है। एंड उसके बाद आपको नेगेटिव वाला ले लेना है, इसको मर्ज कर देना है। एंड उसके बाद कलर आइज में। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे येलो कलर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड इसके बाद आप सभी को यहाँ पे फिर क्या करना है, आपको इरेजर टूल में जाना है, सॉरी इरेजर टूल में यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद अब जाना है आप सभी को इरेजर टूल में। एंड उसके बाद यहाँ पे आप सभी को फिर करना है, इसको इन्वर्ट कर देना है। एंड ब्रश को लेना है, इसके साइज को हार्डनेस को माइनस कर देना है, ओपेसिटी को कम कर देना है। एंड साइज को जो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड उसके बाद इस तरह करने के बाद आप सभी को गाइस जहाँ जहाँ पे मतलब कि यहाँ पे आपको मतलब कि ग्लोइंग इफेक्ट देना है येलो कलर का, ठीक है। यानी कि मतलब जो ये लाइट है जो हमारी येलो कलर की हमारे ऊपर ही पड़ रही है, तो रियलिस्टिक सा लुक दिखाने के लिए मैंने आप सभी से PNG बनवाया, ठीक है। तो आप सभी को भी बना लेना है सेम इसी टाइप से। एंड उसके बाद आप सभी को जहाँ जहाँ पे चाहिए हो अब वहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से ऐसे पेंट कर लेना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ हेयर्स के ऊपर एंड थोड़ा फेस के साइड में भी कर लेते हैं। एंड थोड़ा सा एरिया जो है हमारे थोड़ा इधर से इरेज करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे गलती से हो गया, तो इसको इरेज कर लेते हैं। एंड यहाँ पे डन करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है अभी यहाँ पे क्या करते हैं, अभी हम ऐसे चलते हैं ब्लेंडिंग मोड में। एंड जो इसका ब्लेंडिंग मोड होगा, इसको हम रखेंगे यहाँ पे लाइट यानी ओवरले रखेंगे, ठीक है गाइस। इसको ओवरले कर लेते हैं। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे एंड इसको सेम वैसे ही लगा देंगे। एंड यहाँ पे अब गाइस ये परफेक्ट है। एंड उसके बाद गाइस सबसे फिर क्या करना है, यहाँ पे कर देना डन, ओके। सो उसके बाद आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को जाना दोबारा ऐड फोटो में। एंड ऐसे गाइस आप सभी को इस सैड इमोजी का PNG मिल जाएगा। एंड इस PNG को जो है गाइस आप सभी को अपने हैंड के पास कुछ इस टाइप से रख देना है, ठीक है। एंड इसके बाद आप चाहो तो ऐसा पोज कर सकते हो या फिर आप जैसा पोज आपका मन करे वैसा कर सकते हो, बट आपको अपने हैंड के पास ही रखना है इसको, ठीक है। एंड ऐसा कर देने के बाद आप सभी को गाइस फिर क्या करना है, थोड़ा मैं इसको यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ एंड कुछ इस टाइप से परफेक्ट है। अब क्या करना है गाइस, आप सभी को अब यहाँ से चले जाना है, आप सभी को थोड़ा सा मतलब छोटा कर लेते हैं हमें। एंड ऐसा डन करना है। एंड गाइस यहाँ से आप सभी को चले जाना दोबारा ऐड फोटो में। एंड ऐसे गाइस आप सभी को एक लाइट का PNG मिल जाएगा। आप सभी को इसका जो ब्लेंडिंग मोड है गाइस, इसको आपको क्या करना है, पहले तो इसको स्क्रीन करके आप फेस के पास यहाँ पे लगाना है, ठीक है, मोजी के पास। एंड इसका जो ब्लेंडिंग मोड है गाइस, आपको इसको भी ओवरले कर देना है, ठीक है, ओवरले कर देना है। एंड इसका थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है, तो यहाँ से एडजस्ट में जाएंगे हम ह्यू में जाएंगे। ह्यू में जाने के बाद गाइस आप सभी को थोड़ा ऊपर नीचे करना है, ठीक है। तो इसको एकदम थोड़ा सा ऑरेंज टोन देना है, ठीक है, हल्का सा ऑरेंज टोन, यानी कि आपको देना प्लस में 12 तक, ठीक है, प्लस में 12 तक। एंड यहाँ पर डन कर देना है। एंड यहाँ पर जो है इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर परफेक्ट है। अब आप सभी को फिर क्या करना है गाइस, आप सभी को यहाँ पर तो पहले डन कर देना है, फिर उसके बाद गाइस आप सबको दोबारा से ऐड फोटो में चले जाना है। एंड आप सबको एक PNG और मिल जाएगा, ठीक है, ये पार्टिकल्स के। आपको कुछ क्या कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे स्क्रीन कर देना है इसको। एंड यहाँ पे कुछ स्टेप से ऐसे साइज को कुछ इस तरीके से बड़ा करके ऐसे लगा देना है। एंड गाइस उसके बाद आप सबको यहाँ से चले जाना है इरेजर टूल में। एंड यहाँ से इन्वर्ट कर देना है, ब्रश को लेना है, फिर ब्रश में जो ऐसे गाइस आप सबको इस तरीके से अच्छे से पेंट करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपको ये पार्टिकल्स चाहिए हो वहाँ वहाँ पे आपको ऐसे पेंट कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे परफेक्ट कर देना है डन। फिर उसके बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, आपको दोबारा से ऐड फोटो में चले जाना है। यहाँ पे आप सबको एक विग्नेट का PNG और मिल जाएगा, तो आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना, फुल स्क्रीन का कुछ इस टाइप से ऐड कर देना है, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। एंड यहाँ पे करते हैं हम यहाँ पे परफेक्ट ऊपर तरीके से डन, ठीक है, ऊपर से डन कर लेते हैं। एंड अब क्या करना है गाइस, आप सभी को अब इस फोटो को आप सभी को सेव कर लेना है। एंड इसको ओपन करना है लाइटरूम ऐप में। फिर उसके बाद आप सभी को यहाँ से चले जाना है लाइट वाले ऑप्शन में, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट को जो है आपको इसको भी इंक्रीज़ कर देना है। एंड जो गाइस शेडो है आपको इसको भी इंक्रीज़ कर देना है। एंड गाइस जो वाइट है आप सभी को इसको आपको इंक्रीज़ कर देना है। एंड जो गाइस ब्लैक है इसको भी इंक्रीज़ कर देना है। फिर चले जाना कलर्स वाले ऑप्शन में, फोटो की जो वाइब्रेशन है आप सभी को उसको बढ़ा देना है, ठीक है। एंड जिसका टेम्परेचर हल्का सा माइनस कर देना है। एंड चले जाना कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है। एंड येलो कलर को लेना है, आप इसका चाहो तो कलर चेंज भी कर सकते हो अपने बैकग्राउंड का, ठीक है। जैसे आप ह्यू माइनस करोगे तो रेड हो जाएगा, एंड ह्यू को प्लस करोगे तो डार्क येलो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सभी को चले जाना है यहाँ से, आप सभी को डार्क ब्लू में इसका जो सैचुरेशन माइनस कर देना है। एंड उसके बाद सैचुरेशन प्लस में रख लेना, क्योंकि शर्ट सॉरी जैकेट का जो कलर है हमारा ब्लू है, तो उसको प्लस कर लेना।
एंड पर्पल कलर में जाकर इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, कर देना है डन। एंड इसको अच्छे ले जाना, आप सभी नीचे वाले टूल में फोटो की जो क्लियरिटी है आप सभी उसको बढ़ा देना है, एंड फोटो में जो विग्नेट है वो डाल देना है, ठीक है, चाहो तो डाल सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। फिर ग्रेन अमाउंट बढ़ा देना, फिर उसके चले जाना नीचे वाले टूल में फोटो की जो शार्पनेस आपको उसको इंक्रीज कर देना है, एंड जो नोड रुक्स है उसको भी बढ़ा देना है, और जो कलर नोड रुक्स है इसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।